ये मैंने एक शीट बनाई है, इसका नाम मैंने रखा है मीटर रीडिंग 3 यूनिट कैलकुलेशंस। इस मीटर रीडिंग 3 के अंदर यूनिट कैलकुलेशंस को हमने ट्रंच कहते हैं टुकड़े, टुकड़ों में कैसे डिवाइड किया है। आजकल आपने बड़ा सुना होगा कि भाई अगर आप 100 यूनिट चलाओगे तो बिल कम आएगा, 200 चलाओगे तो डबल हो जाएगा, और 200 से ऊपर गए तो जी भुट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये तो मामला होता रहता है, लेकिन इस चीज़ को कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करेगा, मतलब कैलकुलेट करने से मतलब ये है कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि 100 यूनिट से ऊपर रेट क्या लगाना है, 200 यूनिट से ऊपर क्या रेट लगाना है, 250 यूनिट से ऊपर क्या रेट लगाना है, इस चीज़ को हमने समझने की कोशिश करनी है। अगर आप नोट करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रीवियस रीडिंग, मतलब पिछले महीने में मेरे मीटर में क्या रीडिंग थी, फिर करंट रीडिंग, इस महीने मीटर वाला जो भैया आया वो रीडिंग लेकर गया वो कितनी थी, तो उसके बाद टोटल रीडिंग ये कैलकुलेट करेगा। हम सपोज करते हैं पिछले महीने मेरे मीटर में जो रीडिंग आ रही थी वो 250 थी, और उसके बाद आज की जो मेरे मीटर में रीडिंग आ रही है वो मैंने कर दिया, नहीं 2750 यूनिट नहीं, 323 की रीडिंग आई, हाँ 323 की रीडिंग आई, तो मैंने उसको जो है क्या करना है, जैसे ही मैंने यहाँ पर 323 की एंट्री को करना है तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे मेरे टोटल यूनिट निकला है जो कि 73 थे। इस तरह अगर मैं यहाँ पे 300333 की एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे 83 यूनिट खुद ही कैलकुलेट हो जाते हैं। आप नोट करें 83 यूनिट जब कैलकुलेट हुए तो नीचे एक ट्रंच बना हुआ है 1 से लेके 100 यूनिट का। अगर 1 से लेके 100 यूनिट तक जो चलेंगे, यानी कि शुरू के 100 यूनिट अगर परफॉर्म होंगे, तो रेट हमें क्या पड़ रहा है, 10 रुपये का, और बिल बन रहा है कितने का, 830 रुपये का, और 830 रुपये का बिल बन रहा है तो टोटल यूनिट कॉस्ट भी 830 रुपये आ रही है, फिर उसके ऊपर टैक्स लग रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, और फिर जाके उस पर ड्यू डेट लग रही है, और फिर जाके बिल बन रहा है तकरीबन 1502 रुपये का। लेकिन अगर हमारे यूनिट थोड़े से ज़्यादा चले, मिसाल के तौर पर वो चले 378 कितने चले, मतलब पिछले महीने 250 की रीडिंग थी और अब रीडिंग आई है 378, तो टोटल यूनिट कितने चलेंगे, तो जैसे ही हमने कर ये रखा है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां पर हमें पता चला कि हमारे टोटल यूनिट जो चले वो कितने चले, 128। अब 128 यूनिट जो चले तो यहां पे बिल कैसे, हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बिल को कैसे कैलकुलेट किया कि शुरू वाले 100 यूनिट यहां पे सेट कर दिए और उसके बाकी के अगले 28 यूनिट वो दूसरे ट्रंच के अंदर सेट कर दिए, जिसमें 101 से लेके 200 यूनिट जो है वो कितने रुपए के होंगे, 18 रुपए के। तो बिल देखिए कितनी तेजी से आपका बढ़ गया, मतलब 100 यूनिट का बिल था आपका 1500 रुपए का और जब अगले 28 यूनिट चले तो वो 504 के चले, और अब आपका बिल 1500 रुपए से डायरेक्ट कितने पे चला गया, 2601 रुपए पर। सही है, चले अब अगर हम मिसाल के तौर पे हमारी रीडिंग बढ़ के चली गई थी 423 के ऊपर तो टोटल कितने यूनिट चले, 173। अच्छा 173 यूनिट्स चले, तो यहाँ पर जो है 100 यूनिट ऊपर वाले के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट हो गए, और जो बाकी के 73 यूनिट थे वो कितने के हिसाब से कैलकुलेट हुए, 1314। आप देखें कि आप लोग इस जमाने में जी रहे हैं जहां पे इंटरनेट, साइंस, टेक्नोलॉजी, सच को झूठ, झूठ को सच साबित करने के लिए चैट जीपीटी और इतनी बड़ी बड़ी एआई टूल्स, और जतिन हमारा जो है वो अमेजोन का बिजनेस इसके पीछे टीम बैठी हुई है, लेकिन ये भी अपनी दुकान पे माशाल्लाह इसकी दुकान है जतिन की, अपनी दुकान पे माल ऐसे नहीं बेच सकता कि अगर इसके पास कोई आ जाए बोला बाबा मुझे 173 किलो आटा चाहिए, कितना 173 किलो आटा चाहिए, तो जतिन उसको ऐसे नहीं बेच सकता, बाबा 100 किलो तो मैं तुझे 10 रुपए के हिसाब से दूंगा लेकिन आगे के 73 किलो का आटा मैं तेरे को 20 रुपए के हिसाब से दूंगा, बेच सकता जतिन, नहीं बेच सकता ना। तो देखो इतनी जदी टेक्नोलॉजी और इस सारे दौर में पाकिस्तान में हम लोगों के साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप सोचो इस बात के ऊपर कि सबको ही फेल कर दिया। एआई तो मैं समझता हूँ इनके पाँव छुएगा, आशीर्वाद लेगा, बोलेगा अंकल मेरे को थोड़ा आगे ले जाओ, ये तो हमें समझ से ही बाहर जा रही है। ये वाली मैथ तो मैं कह रहा हूँ कि एआई को भी नहीं आ रही होगी ना,
मतलब आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, उससे बोले बाबा 200 लीटर पेट्रोल दे दे, तो वो कहेगा 100 यूनिट 100 लीटर में तुझे दूंगा 300 के हिसाब से, और अगले 100 जो है वो 600 के हिसाब से दूंगा। तो आप बोलोगे ये कहाँ है तेरा पेट्रोल पंप, मेरे सर पे ईंट मार दिया ना। तो ये देखे पाकिस्तान गवर्नमेंट आपके साथ क्या करती है। बहरहाल ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने कभी बिल उठा के देखो, तुम्हारा बाप इसलिए परेशान होता है, वो ये कहानी चल रही होती। चलो आपने एसी चलाया थोड़ा सा और आपका अब रीडिंग जो है बढ़ के 423 के बाद आया, चली गई 491 के ऊपर, सॉरी गलत जगह पर एंट्री कर दी मैंने, 491 के ऊपर चली गई, 491 इंटर किया तो यूनिट कितने चल गए, 241 यूनिट चल गए। तो भाई वो पाकिस्तान गवर्नमेंट में ये कह रहा है कि भाई 100 यूनिट जो तुमने शुरू वाले चलाए थे ना, तो वो 10 रुपए के हिसाब से थे आपके लिए, और अगले 100 यूनिट जो थे वो 18 रुपए के हिसाब से थे। देखो कहानी देख रहे हो यहाँ पे कैसे चल रही है। माना आप मतलब खवातीन गई जोड़ा खरीदने के लिए, तो इसने दुकान वाली को बोला कि बाबा ये 3 जोड़े पैक कर दे। दुकान वाले ने बोला भाई पहला वाला जोड़ा जो आपने पसंद किया था ना वो तो 1000 रुपए का है, बाकी ये जो 2 जोड़े आप ले रही है ना ये आपको 3000 के पड़ेंगे। उसने बोला है जाएगा, बोला भाई अभी ऐसा ही है। तो ये समझे कहानी यहां पे ना ये चल रही है आपके साथ कि 100 यूनिट तक मीटर आपका चलेगा तो बिल बन रहा 1000 रुपए का, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन अगले 100 यूनिट जैसे ही चले तो बिल हो गया 1800, और उसके ऊपर जो यूनिट चले 41 यूनिट 241 यूनिट आपको पड़ा 20 रुपए का यूनिट, उसका बिल बन रहा है 820 रुपए का। बल्कि बल्कि कहानी इससे भी खतरनाक है, ये तो पिछले साल की कहानी थी, अभी जो कहानी है वो ये है कि 100 यूनिट तक ये है, 200 यूनिट तक ये है, और 200 से ऊपर गए तो फिर ये वाला नमूना है। समझे मेरी बात? हाँ ये चल रहा है, यानी कि आपने अगर 100 यूनिट तक चलाए तो 1000 रुपए का बाबा ठीक है हो गया, लेकिन अगर 100 से ऊपर गए तो अगले 100, और अगर उससे ऊपर चले गए तो भाई उसके अगले वाले तो ये पढ़ रहे हैं, इसके आगे तो तुम सुन ही नहीं पाओगे, 100 रुपए का यूनिट है ठीक है। तो अब आपका बिल कहां पहुंच गया, 8338। अगर हम लाइट की कॉस्ट निकालें तो 5050 है, अगर मैं 10 रुपए के हिसाब से लगाऊं तो ये 2500 रुपए का बिल है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें वो वाली टोपी पहनाई है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे। हाँ तो यहां पर 5050 का बिल बना दिया आपको, और खुदा ना खास्ता आपका मीटर अगर चला गया, रीडिंग चली गई इसके ऊपर, तो भैया जी यहां पे देखें आपका जो बिल है वो ये हो जाएगा, ये 50,000 बिल आया ना वो ऐसे आता है, पर ये ले कहां बन गया ठीक है। कितने यूनिट चले, 425, 100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, अगले 100 20 रुपए के हिसाब से, फिर 50 जो है 50 के हिसाब से, और उसके ऊपर जितने चलेंगे 100 रुपए के हिसाब से। अब जाओ मैं ये कह रहा हूँ ये हिसाब है कौन सा समझ में नहीं आ रहा, एआई टूल परेशान हुआ पड़ा इसके ऊपर। मैंने चैटजीपीटी से पूछा भाई जान हमारा बिल ये आया, वो बोला मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कौन सा मैथ है, मैं अभी सीखूंगा इसके बारे में, वहां पे क्लासेस शुरू होंगी ये वाला मैथ समझाने के लिए। समझ में आ रही है बात भाई? अभी मैं तुम लोगों से सवाल कर लेता हूं, जैसे जतिन मेरा ख्याल है दुकान चलाता है, थोड़ा बहुत सिमरन का भी आइडिया होगा, इनके अब्बू भी चलाते हैं। भाई मिसाल के तौर पर हमसे मतलब तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम प्रोडक्ट रख लेते हैं, तुम्हारा भी जो बेचते हैं उसका नाम प्रोडक्ट रख लेते हैं। तुम्हारे अब्बू के पास एक बंदा आया, बोला भाई हमें ये सामान चाहिए, उसको हम कह रहे हैं वो सामान का नाम है प्रोडक्ट, सही है भाई। तुम्हारे अब्बू ने बताया भाई ये है 100 रुपए का, उसने कहा मेरे को जो है ना 200 पीस चाहिए, तो अब आपके अब्बू कितने का लगाएंगे उसको, 5-10 रुपए कम कर देंगे, 200 पीस ले रहा है ना, क्वांटिटी बढ़ा रहा है। उसने कहा नहीं चलो हम लगाए भाई 100 पीस चाहिए थे, तो अब्बू ने बोला भाई 90 रुपए का लगा दो, उसने कहा नहीं सर मेरे को तो 1000 पीस चाहिए अभी खड़े खड़े, अगर 1000 पीस का ऑर्डर दे तो 90 में नहीं देंगे ना हम उसको, फिर हम उसको कहेंगे बाबा ठीक है मैं कंपनी से रेट लेता हूं 75 रुपए का लगाएंगे हम आपको, डायरेक्ट कंपनी से माल उठा के दूंगा, उसमें मैंने अपना प्रॉफिट 5 रुपए का रख लिया, ऐसे ही करेंगे नहीं करेंगे, 5 रुपए रख दिया भाई, 5 रुपए रख दिया, 1000 पीस पे मेरे 5000 खड़े हो जाएंगे ना भाई, एक पीस बेच रहा था तो 15 रुपए कमा रहा था मैं, लेकिन एक खट्टे निकल रहे हैं तो मेरे 1000 रुपए खड़े हो रहे हैं 5000, ऐसे ना। तो यहां पे देखो कहानी क्या हो रही है, यहां पे अगर आप 100 पीस ले रहे हो तो 10 रुपए का है, अगर आप 200 ले रहे हो तो कितने का हो रहा है 20 रुपए का, और अगर आप 250 ले रहे हो तो कितने का हो रहा है 50 रुपए का, और अगर आप ले रहे हो 175 300 तो ये 100 रुपए, मानो जैसे जैसे तुम क्वांटिटी बढ़ा रहे हो प्राइस भी बढ़ रहा है, कौन सा मैथ है कौन सा हिसाब है, मैं तो पागल हो रहा हूं। हाँ ये हो रहा है तुम्हारे साथ, टैक्स तो अलग है, टैक्स तो वो अलग कहानी है, वो तो नजर उतार देते हैं ना ऊपर से, ऐसे खैरात ज़कात में दे रही हूँ, समझ रहे हो रात को।
तो ये वाली मैथ, मतलब तुम्हारा पाकिस्तान में रहना है तो ये वाली मैथ सीखनी है। तो देखो हमने एक्सेल को सिखाई है, एक्सेल खुद हिसाब बना रहा है ये, है ना। अब सवाल ये है कि ये बनेगा कैसे, इसी वजह से आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, सही बता रहा हूं। तो अब देखें ये एक्सेल खुद कैसे कर रहा है, एक्सेल को कैसे समझ में आ रहा है कि शुरू वाले 100 मुझे इधर रखने हैं, अगले वाले इधर रखने हैं, उससे अगले वाले इधर रखने हैं, और क्या। अबे कभी मीटर भी देखा करो ना जाके, अब सारा काम अपने बाप को दिया हुआ, बिल उठा के देखा करो ना। देखो ये एक अदद खाली मखलूक ने ये इजाद किया हुआ, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर, और गैस का मीटर जो आपने देखा होगा खंबे पे लगा होता है, हैस्को मीटर। मेरा लैपटॉप भी नहीं चल रहा, वो बोल रहा है भाई ऐसी चीज़ों को मैं सर्च नहीं करता हूँ, मेरी जनरेशन से आगे की चीज़ें हैं ये, बेस्कॉन हो गया वो, हैस्को बोला था मैं, हैस्को मीटर। तो एक इस तरह की डिवाइस, मतलब मैं कहूँगा ये चोरों की डिवाइस जो है ऐसे आपके खंभे पे लगी हुई होती है, इसमें जो नंबर देख रहे हैं ना, ये दिखा रहा है 234, ये है रीडिंग। माना अभी मीटर वाला आएगा, वो लेके जाएगा 234, फिर एक महीने बाद आएगा, उसके बाद की जागीरें जब आए, तो जितनी लाइट चली होगी नंबर आगे बढ़ाएंगे, तो नंबर अपना काम कर दूँ, तो उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर जो है ना ये आगे बढ़ जाएगा, फिर वो जैसे 234 से बढ़ के वो जहाँ पे भी जाएगा वो पिछले वाली रीडिंग से अगले वाली रीडिंग दिखेगा। जैसे हमारा पिछले महीने 250 रीडिंग थी, इस महीने वो आया तो 675 रीडिंग हो गई, तो 675 में से 250 चले जाएंगे तो 425। माना हम अभी आप ये सोचो, इतने जदीद दौर में रह रहे हैं जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं पैसों की, उसी टाइम ऑनलाइन बाइंग परचेजिंग हो रही है, चाइना से माल इम्पोर्ट हो रहा है, यूरोप यूके से माल इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है ना, और कॉल करते हैं पैकेज करते हैं, खुद ही पैसे खुद ही कम हो जाते हैं। कभी हमने चेक किया हमारे कॉल पर कितने पैसे कटे, पैकेज में कितने मीटर यूनिट्स वगैरह, सो इंटरनेट के डेटा MB कितना लेटेस्ट दौर चल रहा है। और यहाँ पे वो आता है एक, क्या बोलूँ मैं उसको, मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा, बेचारा आके ऐसे ऐसे कैमरा निकालता है, इसकी फोटो लेके जाता है, आपको पता ही है रीडिंग कैसे लेता है, कैमरा लगा के सेल्फी लेता है वो उसकी। ये हमारे इदारों की देखें कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अमेरिका वाले तो सोच रहे थे ये मीटर हमने बना दिए, इनको देने नहीं चाहिए थे, ये बंदा चाहिए था हमारे को, वो अपनी मर्जी से आता है, गुटखा मुंह में डाल के ऐसे चश्मे चलाता है, यूं उसको 30 दिन की जगह 40 दिन की रीडिंग ले जाता है, 50 दिन की रीडिंग ले जाता है, यूनिट तबाह के ठोक जाता है वो हमारे को, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। बहरहाल आपको पाकिस्तान में रहना है तो इन चीज़ों को समझना है, ताकि आपको भी ऐसे ही यहाँ पे कर लेना आगे जाके ना। ओके समझ में आई बात। तो वो ये लिख के लेके जाता है, तुम क्या समझते हो कंप्यूटर से रीडिंग आती है, इस बेचारे कंप्यूटर को तो, कंप्यूटर की तो मिसाल हूं है कि वो किसी ने कहा था ना कि वो इंडिया में एक फिल्म बनाई थी, था तो ऐसी मजाक, वो दिखाते हैं कि ऐसे वो कोई चीज़ खाते हैं ऊपर, तो वो कोई भगवान होते हैं, वो ज़मीन पे आ जाते हैं, तो लोग उनसे भी कहानी शुरू कर देते हैं, कोई 10 रुपये लेके भाग जाता है, कोई 50 रुपये लेके भाग जाता है, बोला ये क्या चल रहा है यहाँ पे, वो तो एक मजाक था। मकसद कहने का यहाँ पे ये है कि इतना टोपी ड्रामा चल चुका है कि तुम्हें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तुम्हें पता ही नहीं इनके बारे में, इतना टोपी ड्रामा चल रहा है, ठीक है, लेकिन अपन को तो सीखना है ना। चलो आओ, अब हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे कर रहा है खुद ही भाई, वो 100 अलग कैसे कर रहा है, अगले 100 कैसे अलग कर रहा है, 50 कैसे अलग कर रहा है, 175 कैसे अलग कर रहा है, क्वेश्चन अभी भी वही फंसा हुआ है। तो इसके लिए हमने जो इफ कंडीशन सीखी थी उसको हम इम्पोज करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए इस वाले सेल का नाम मैंने फार्मूला में जाके डिफाइन नेम में रख दिया है प्रीवियस रीडिंग, और इस वाले सेल का नाम मैंने रख दिया है करंट रीडिंग, और इस वाले सेल का नाम मैंने रख दिया है TU, क्या रखा है TU, तो यहां से इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहां से सम कर लिया, और इसमें से माइनस कर दिया मैंने इसको। अब याद रखना है किसका नाम क्या है, इसका नाम TU है, ठीक है, भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे टोटल यूनिट निकला है। अब हम यहां पे कह रहे हैं इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रेकेट, सही है, चेक करो भाई इसको, ठीक है, TU को चेक करेगा वो, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है किससे, अगर इसकी वैल्यू सेल की बड़ी है किससे, ग्रेटर देन 100 टुकड़े, ठीक है, अगर TU सेल की वैल्यू है किससे बड़ी 100 से, तो कॉमा लगा के यहां पे क्या लिख दो 100, सही है, अगर बड़ी है तो, और अगर बड़ी नहीं है तो कॉमा, जो इसकी वैल्यू है वही लिख दो,
समझ में नहीं आई? इक्वल टू इफ, अगर इस सेल की वैल्यू जिसका नाम मैंने टी यू रखा है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन किससे है, अगर इस सेल में वैल्यू 100 से ऊपर आती है तो यहां पे क्या लिखना है? 100. अगर 100 से कम है तो क्या लिखना है? फिर जो भी इसकी वैल्यू होगी वही लिख दो. फर्स्ट तो कंडीशन चेक कर रहा है ना, 100 से बड़ी है कम है, बढ़ जाए, ठीक है. और सेकंड टाइम में वो कह रहा है कि अगर 100 से ज्यादा हो तो 100 लिखना है, अगर 100 से कम होगी तो जो भी टी यू में वैल्यू कम होगी 99, 98, 97, 96, 95 वो लिख दो. तो अभी तो 100 से ज्यादा है ना इसकी वैल्यू, तो क्या लिख रहा है? 100. चले 20 सपोज कम कर देते हैं हम इसको, 290 कर देते हैं, सही है. 40 है तो 40 आ रही है, और 350 कर देते हैं तो 100 है तो 100 आ रही है, और 349 कर देते हैं तो 99 तो 99 आ रही है. लेकिन जैसे इससे ऊपर जाते हैं तो यहां पे 100 आएगा, 100 से ऊपर वैल्यू नहीं आई. अब यहां पे फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे, इक्वल टू इफ चेक करो, अगर इसकी वैल्यू 200 से ऊपर है तो यहां क्या लिख दो? अदरवाइज टीयू की जो वैल्यू है यानी कि इस सेल की जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो इसको, और जो आंसर आए वो लिख दो. मतलब मिसाल के तौर पर इसमें 175 है तो 175 200 से कम है ज्यादा है? कम है. तो जो टीयू की वैल्यू है 175 उसमें से माइनस कर दो C5 को यानी कि 100 को, तो कितने बचेंगे? 75. हाँ, अगर 200 से ऊपर आएगा तो इधर 100 आ जाएगा. ओके, फिर अगला इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, अगर टी यू की वैल्यू ग्रेटर है 250 से तो कॉमा. अब क्या करना है? अब दोनों को माइनस कराना है, तो पहले हम लिखेंगे टी यू में से माइनस कर दो सम करके किनको, इन दोनों को, ब्रैकेट ओवर. अब देखें अगर टी यू सेल की वैल्यू 250 से अबव होगी तो यहां पे लिखा जाएगा सिर्फ 50, और अगर 250 से कम होगी, मिसाल के तौर पे 240 है तो 240 है इसकी वैल्यू, इसमें से माइनस करेंगे इसको यानी कि 100 यहां से माइनस हो जाएंगे तो बाकी 40 इधर आएंगे. हाँ, अगर 250 से अबव जाएगी तो सिर्फ 50 आएगा इसके अंदर. तो देखें, करके देख लेते, अभी तो जीरो आ रहा है ना. ओके, यहाँ 525 की वैल्यू डाल देते हैं तो कितने होगा यहाँ पे, हालांकि यूनिट 275 है, कितना आ रहा है? 100 150. हाँ, अब फाइनली जितने यूनिट ऊपर जाए वो सब इधर लिख दो. इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, अगर टी यू की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है 250 से, वंस अगेन, तो माइनस करना है टी यू में से, माइनस सम कर लेना है इन सबको. अदरवाइज क्या कर देना है? सही है, आप देखें खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे, 25 इधर आ गए. अब जितनी बड़ी भी रीडिंग इसमें एंट्री करोगे ऑटोमेटिकली नीचे वो ऐड होती चली जाएगी. और बाकी यहां पे बिल बनाना तो आसान है, इसको करना क्यों आसान है? क्योंकि आपने यहां पे क्या करना है? सम, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो हमने पहले सीखा था बिल बुक वाले में. रेट अपनी मर्जी का लगाएंगे आप, यहां पे ड्रैग कर देंगे इसको इस तरीके से. और हाँ, तो ये देखो ना, यहां से सम करेंगे, कर रखा है ना, फॉर्मूला लगा रखा है सम, ठीक है. नीचे वाला भी देखिए कैसे करेंगे, यहां पे सम करेंगे, इस सेल को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ. अब यहां पर इसको इन सब से मल्टीप्लाई करना है तो इसकी रो को फिक्स करेंगे डॉलर लगा के, और यहां पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, बल्कि इसके नीचे तक ले जाएं, यहां तक ले जाएं. और यहां पे सिर्फ चेंजेस ये करेंगे आप, इस सेल को इक्वल कर देंगे इसके, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यहां पर इक्वल आएगी, इसको यहां कर देंगे. फिर करना यह है कि टोटल टैक्स अलग करना है, नेट बिल अलग करना है. तो उसके लिए होगा कि भाई देखो टोटल टैक्स का ये सारा टैक्स कैलकुलेट करके आप ले लोगे कहाँ पे टोटल टैक्स में आंसर. तो बहुत सारी बातें मैंने नहीं बताई, बड़े होकर पता चलेंगी तुम्हें. यहाँ से सम करेंगे नेट बिल निकालने के लिए, जो बिल का अमाउंट है उसमें प्लस कर देंगे जो टैक्स का अमाउंट है, और फाइनली फिर लेट भी लग जाती है तो लेट के बाद यहाँ पे सम कर देंगे, इन तीनों का टोटल ले लेंगे.
तो आपका बिल बन गया 57,624 रुपए का। क्या चीज लिखा है ना बेटा, टैक्स लिखे हुए ना सारे, जो गवर्नमेंट देगी भुज्जा देगी भुज्जा मिल जाएगा आपको, और दोनों हाथों से देगी तो दोनों हाथों से मिल जाएगा, गाया भी अलग से देगी वो, ऐसा मसला नहीं, वो सब आपको यहाँ लिख के मिलेगा और आप कहेंगे ठीक है बाबा आप जो दे दिया दे दिया, आप आगे चलते हैं, ठीक है।